दो चम्मच इस पोटली में हम डालेंगे। ये है तेज पत्ता, तेज पत्ता डाला मैंने। एक ये है दालचीनी की स्टिक, मोटी इलायची, ये है दो छोटी इलायची। पांच सात हम लौंग डाल देंगे, ये देखिए लौंग डाल दिए मैंने। और ये हैं कुछ काली मिर्ची। ये सब डालकर पोटली को हम बंद कर लेंगे अच्छे से, ताकि कोई भी चीज़ बाहर ना आए। अच्छे से इस पोटली को हम यूं पैक कर लेंगे। तो ये चने अब हम बॉयल करेंगे प्रेशर कुकर में 5-6 स्टीम आने तक। चने ऐड किए, इसमें हम स्पाइसेस कुछ नहीं डालेंगे, खाली हम नमक ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक का ऐड किया। इस पोटली को भी साथ ही में रख देंगे ताकि अच्छे फ्लेवर और इनका कलर ब्लैक हो जाए। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये पोटली डालने से इसका कलर कितना परफेक्ट आया है और इतने फ्लेवरफुल हैं ये, इनकी खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। इनको अब हम छान लेंगे। छान लिया, अब इस पोटली को हम निकाल देंगे। बस ये डालने का यही फायदा है कि जो भी स्पाइसेस हैं फ्लेवर उनका पूरा आ जाएगा और मुंह में भी नहीं आएंगे मोटे मोटे स्पाइसेस। अब दोबारा से फिर से मैं इनको पानी ड्राई करते हैं, तो इसका हम जितना भी पानी है हल्का फुल्का सा भी, वो भी इसको गैस को ऑन करके सुखा लेंगे। और ये हैं कुछ मसाले, मसाले इस तरह से हैं, ये है भुना हुआ जीरा, काली मिर्ची, नमक, धनिया, ये है लाल मिर्ची और अमचूर पाउडर। इन सब चीज़ों को हम इसमें ऐड कर लेंगे, अच्छे से इनको यूँ मिक्स भी कर लेंगे। चाहे तो आप इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब एक साइड पर ये देखिए मैंने सरसों ऑयल है, आप देख सकते हैं इतना गर्म है कि इसका कलर चेंज हो गया। एक तेज पत्ता सबसे पहले मैंने ऐड किया। अब ये जो बॉइल्ड पोटैटोज हैं ये हम पहले ऐड कर देंगे। आलू जब हल्के फ्राई हो जाएंगे इस टाइम पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब हम बाकी की सब चीजें इसमें ऐड करेंगे। ये टमाटो ऐड कर देंगे, अनियन, ये जिंजर और हरी मिर्ची, सब कुछ इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब ये हमने जो स्पाइसेस वाले चने रखे थे, ये उबलता हुआ सब सामान इसमें ऐड कर देंगे। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिंडी चने हमारे बनकर फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए इजी सी मज़ेदार सी परफेक्ट रेसिपी। आपको फ्रेंड्स कैसी लगी? पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।